नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते, सभी दर्शकों को वंदन अभिनंदन। अशोक जी, आज का हमारा प्रश्न कोविड-19 के काल से रिलेटेड है। जो भी कोई घर में आता है तो अक्सर उसको पहले खड़ा कर पूरा सैनिटाइज करते हैं। जी जी। यही नहीं बल्कि कई सारे पब्लिक प्लेसेस पर भी टांगा वगैरह बनाकर रखे गए हैं जो सबको सैनिटाइज करते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि कहां तक उचित है सैनिटाइजेशन? तो अच्छी बात है, सरकार ने एक SOP जारी किया है और उस SOP के पालन में सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति बनी है, कोरोना का डर लोगों में इतना ज्यादा है, अभी भी जब कोई भी उनके घर पे आता है या कहीं कुछ कार्यालय में जाते हैं, कुछ पब्लिक प्लेस में जाते हैं, पहले पूरा उनको सिर से लेकर पांव तक सैनिटाइज करते हैं, स्प्रेयर से, जैसे भी। कुछ लोग तो हैं कि जो उनके घर का एंट्री का गेट है, प्रवेश का, वहां पर एक ऐसा लगा रखा है कि जब भी कोई आएगा तो पूरा उसको सैनिटाइज जाएगा। उनका इंटेंशन ये है कि पूरा सैनिटाइज हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार की ओर से इस तरह से कभी भी कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी की गई कि कोई भी खड़ा हो जाए, आ रहा है तो उसको नहला दीजिए। चूंकि हो कह रहा है कि ये जो सैनिटाइजर होता है ना, ये कहीं ना कहीं केमिकल होता है। हाँ, बिल्कुल। और केमिकल जब बॉडी पे पड़ता है तो ये तीन तरह से नुकसान करता है। भाई, आप जब प्रवेश कर रहे हैं या सैनिटाइज किए जा रहे हैं तो सांस लेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। और सांस के माध्यम से जब अंदर जाता है तो आपके सांस लेने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। दूसरे, जब आपके स्किन पे पड़ते हैं ये, तो आपकी स्किन भी रोगग्रस्त हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, उसका बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही वुंड्स पर भी इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स का कहना है वो सिर्फ इतना है, सैनिटाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हाथ तक। हाँ। और सैनिटाइज करने का मतलब यही, सैनिटाइजर से ही, अगर आपके पास साबुन है या और कुछ है उससे भी धुल सकते हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे जो दिव्यांगजन हमारे हैं, हालांकि वो लोग कहीं जाते नहीं है, लेकिन अब अनलॉक 4 हो चुका है। अब ऐसे में दिव्यांगजन भी समाज से परे तो है नहीं, उनके भी आवश्यक कार्य होते हैं, उनको भी जाना ही पड़ता है। तो अब हमने तो कई जगह देखा कि जब वो जा रहे हैं पूरा उनको भी ट्राईसाइकिल सहित उनकी पूरी नहलाई जा रही है, ट्राईसाइकिल सैनिटाइज कर रहे हैं। अब यहां पर जो स्थिति है, चूंकि दिव्यांगजन जो होते हैं उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और ऐसा जो गाइडलाइन जारी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसमें भी उल्लेख है। तो इस दृष्टि से एक तरफ तो कोरोना है, उससे वो बेचारे बच रहे हैं, दूसरी तरफ अब उससे बचने के चक्कर में पता लगा कि उनको इतना नहला दे रहे हैं कि उस केमिकल से परेशान हो जा रहे हैं। और खास बात तो यहाँ पर यह है कि जब हमारा कोई मानसिक मंदिर बंधु है, या जो हमारे दृष्टिबाधित बंधु हैं, या ऐसे कोई बंधु हैं जो जैसे नेत्र दृष्टि उनकी तिरछा देखते हैं, ऐसा करते हैं, तो जब आप सैनिटाइज कर रहे होते हैं, अगर उनकी आंख में चला गया या कहीं और चला गया, तो चूंकि तो वैसे कोरोना से संवेदनशील है वो, इससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो चूंकि सरकार ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो हम इतने ज्यादा डर में ना हो जाएं कि पता लगा कोई श्रमिक है वो हमारे यहाँ काम करने आ रहा है तो उसको पहले पूरा नहला दो, तो अगला बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, 9 की लकड़ी 90 खर्च। तो यहां पर एक खास बात ध्यान देने की है कि सरकार ने भी नहीं कहा है, और आप अपने डर में अनाप शनाप निर्णय लेकर के इस ढंग से करेंगे तो आप तो अपने घर में हैं, लेकिन जो आपकी आदत है, आप भी बाहर से आएंगे तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको भी पूरा नहलाएंगे, और जब पूरा नहलाएंगे तो आप पर भी वो केमिकल का असर होगा, आप भी उससे अफेक्टेड होंगे, परिवार भी पूरा उससे प्रभावित होगा। तो ऐसी दशा में जो SOP है उसका ही पालन करें, मनगढ़ंत रूप से ऐसा कोई उपक्रम नहीं करें जिससे अपने ही स्वास्थ्य को नुकसान हो जाए और समाज को भी नुकसान हो जाए, क्योंकि आप समाज के लिए बहुत मूल्यवान हैं, आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए मास्क जरूरी। हाँ। 2 गज की दूरी। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्ते।